हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू PSEB ट्यूशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th का पंजाबी का सितंबर एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर। तो वीडियो को शुरू करते इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर ज्वाइन करना। अगर लिंक के थ्रू नहीं ज्वाइन होता है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर कल्पना 17 सर्च करना, आपको मिल जाएगा। तो पंजाबी का सैम्पल पेपर विथ सॉल्यूशन, ठीक है, तो चलिए शुरू करते। तो ये है बच्चों आपका पंजाबी का सैम्पल पेपर। यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले पेपर आपका टोटल वैसे 100 मार्क्स का होता है, लेकिन 20 मार्क्स की आपकी सीसी है, पेपर आपका 80 नंबर का ही आएगा। 5 नंबर तो आपके सुंदर लिखाई के होंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग के, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरीके से पैराग्राफ आएगा, आपको पैराग्राफ को रीड करना है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे पैराग्राफ से रिलेटेड, उनके आंसर देने। तो यहाँ पर पैराग्राफ से ढूंढ के आंसर लिखे हुए हैं, आप इसको जो है रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला फिर आपका एक जो है प्रश्नों के कुछ उत्तर देने होंगे पैराग्राफ से, तो फिर से ये एक पैराग्राफ आएगा, ये पैराग्राफ अच्छे से आपको रीड करना है सेकंड, और फिर यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे उन पैराग्राफ से ढूंढ के आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं, आप साथ में आंसर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं व्याकरण संबंधी प्रश्न। यहाँ पे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यहाँ पे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी हैं आप देखो इनके आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। खिलाड़ी शब्द का लिंग बदलो, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से। अच्छा देखो, ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इनमें ऑप्शन आपको मिलेगा और ऑप्शन में से आपको आंसर क्या करना होगा, चूज़ करना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है इसी तरीके से ये पैराग्राफ में भी आपको एक बार पैराग्राफ अगर आप रीड कर लोगे, ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तो ऑप्शन में से आपको आंसर ढूंढना बहुत आसान होता है, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ लोगे ऑप्शन मिलेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सभी में देखो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। उसके बाद इसी तरीके से सही गलत है, ठीक है। उसके बाद ये खाली था है, खाली था में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका मिलान करो, मिलान करो करने के बाद आपका आएगा इस तरीके से पैराग्राफ, ठीक है, और इसका भाव स्पष्ट करना है, दो आएंगे जिसमें से एक का करना है। फिर अभ्यास के आपके प्रश्न आएंगे, प्रश्नोत्तर, ठीक है, वचन बदलो, ठीक है, इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चंस, गुरु अर्जन देव जी की रचना कीड़ी है, मतलब इस तरीके से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद मुहावरे आएंगे आपके 10 नंबर के, तो यहाँ पे मुहावरे दिए हुए हैं, मुहावरों का 6-7 मुहावरे दिए होंगे जिसमें से 5 मुहावरे आपको करने हैं। उसके बाद वाक विच पढ़नाओं दी पहचान करनी है आपको, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ से पढ़नाओं दी पहचान करनी है, ठीक है। उसके बाद लेख आएंगे 5-6, उसमें से 4-5 लेख आ जाएंगे, उसमें से एक के ऊपर आपको पूरा लेख लिखना है, ठीक है। उसके बाद विनय पत्र आएगा, विनय पत्र करना है। यहाँ पर देखो इस तरीके से एक पज़ल आई है, इस पज़ल से सार्थक शब्द की आपको जो है पहचान करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके शब्द बोध में से आपको परिभाषा दे रखी है, दो परिभाषाओं में से कोई एक परिभाषा आपको पूरी लिख रही है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हो यू, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।